पिछले एक सप्ताह से हो रही भारी बारिश से कृषि के साथ साथ कई जगहों पर पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नदियां और नहरों में बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही कहीं कहीं मकान भी गिर गए। इसी को लेकर राकोपा के युवा नेता जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख ने अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि काटोल नरखेड़ विधानसभा क्षेत्र में हुए सभी नुकसान का पंचनामा सरकार को तात्काल सौंपे। सलील देशमुख ने वास्तव में बाढ़ और भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। पिछले दिन से काटोल नरखेड़ विधानसभा क्षेत्र में वे डेरा डाले हुए हैं और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर किसानों को हिम्मत दे रहे हैं। इसमें उन्होंने बाजारगांव सर्कल के व्याड में पुल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ शिक्षा अध्यक्ष भारती पाटिल, पीएस सदस्य अविनाश पारदी सहित स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। सलील देशमुख ने संबंधित अधिकारियों को नए पुल का निर्माण नहीं होने तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने के लिए भी कहा। उसके बाद उन्होंने काटोल तालुका के पंजरा कटे और रिधोरा में एक क्षेत्र निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को पंजारा काटे में ड्रिफ्ट किए गए पुल और रिधोरा खापरी मार्ग पर डायवर्जन रूट पर बने पुल की तुरंत मरम्मत करने के लिए भी कहा गया। कोंदली, नंदोरा और मेंढे पाथर जंगली सड़कों पर बने पुलों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ जिला योजना समिति के सदस्य चंद्रशेखर चिकले, पीएस सदस्य संजय डांगोरे, निशिकांत नामगोटे, नीलकंठराव धोरे और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।